बड़वानी के साई जीवनधारा अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां अस्पताल की नर्स ने अस्पताल के डॉक्टरों पर सही इलाज न करने का आरोप लगाया। दरअसल नर्स वर्षा सोलंकी की मां की तबीयत खराब हो गई थी, जो उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें जीवनधारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती कराने के बाद महिला ने नर्स ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने की बात कही तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका ऑक्सीजन निकाल दिया और जरूरी दवाई देने से भी मना कर दिया, जिससे मजबूरी में नर्स को अपनी मां को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अब पीड़ित नर्स ने कलेक्टर को आवेदन देकर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या किया है इन लोगों ने आपको? इन लोगों ने, मैंने जब तक पैसा भरा है तब तक बहुत अच्छे से काम हुआ है, सारा काम मैं ही कर रही थी, मेडिसिन मैं कर रही थी, और जब मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है और मैंने कहा है कि मेरे को उसका जो मिलना चाहिए सहयोग वहाँ से, तो इन लोगों ने मेरे को मेडिसिन देने के लिए मना कर दिया। इसने कौन सा हॉस्पिटल में? साई हॉस्पिटल में इन लोगों ने मेडिसिन देने के लिए मना कर दिया और मेरी अनुपस्थिति में मेरी मम्मी को बाइपैप लगाया। क्यों लगाया बाइपैप इन्होंने? मैंने जब हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा कि बाइपैप क्यों लगाया, तो बोले कि हमको आप आयुष्मान में करवा रहे हो तो हमको आगे वीडियो बना के भेजना पड़ेगा कि पेशेंट बाइपैप पे है, क्यों सरकार से ज्यादा पैसे लेने के लिए है? जब मैं स्टाफ में होकर मेरे साथ ये हो रहा है तो दूसरों के साथ कितना होता होगा। मैं तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनवा रही हूँ, मैं न्यूज में इसीलिए देना चाहती हूँ कि आगे लोग समझ जाए। क्या